से क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा बैठे अतरो पाक ते ना उठे आमीन सारे प्रभु यीशु मसीह दा फसल कुदा बाप दा प्रेम अतरो पाक ते सांझ तो आदे नाल होवे अति तुहाडी रुनाल भी होवे प्यारे प्रभु अते पहनो अज सचमुच बहुत महान ईद है प्रभु यीशु दे पाक दिल दा त्योहार अज असी मनाते हां ए खुदा दे प्यार दी ईद है दिल प्यार दा चिन्ह है अज दी पाक मास दी कुर्बानी विच असी प्रभु यीशु दे किन्ने होए दिल बल देखते हाँ उसने अपने खून दा आखरी तुकबा भी साढ़े लई वहा दी था आओ असी प्रभु दे अगे प्रार्थना करिए कि ओ साढ़े गुनाह नू अपने लहू नाल साफ करे मैं एक बार खड़ता हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा अति तुहाडे अगे ए प्रभु अति पेणो कि मैं सोचन नाल बोलन नाल करन नाल अति अनगहली नाल बहुत गुनाह कीते अपने दोष नाल अपने ही दोष नाल अपने बहुत बड़े दोष नाल इसलिए मैं तन सदा कुमारी मरियम
सारे फरिश्तिया अति संता अति तुआडे आगे ए प्रभु अति पेड़ो बेनती कर दे हां कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे आगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाले खुदा सारे उते दया करो अते सारे गुनाह नु माफ करके सानू सदीवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। प्रार्थना करिए। हे पूरी कुदरत वाले खुदा,
तेरे बेटे दा पाक दिल साड़े लई सारिया प्रकटा दा सोमा है। उस तो सानू मिलन वाले प्यार दे कारण असी खुशी मनाउंदे हाँ। असी बेनती करते हाँ कि तू साड़े दिला नू खोल दे तां जो असी उस तो भरपूर फसल हासिल करन दे लायक बन जाइए। ओही प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूह पाक दे कथा विच एक खुदा जीवंदा अते राज करदा है सदा तो सदा तिखर। आमेन आमीन। पाठ पहला विविस्ता सार दी पुस्तक ओदी 7 बाब 6 तो लेके 11 ऐ तक। तुसी प्रभु अपने परमेश्वर दे लई पवित्र लोक हो। प्रभु तुहाडे परमेश्वर ने सारी धरती दे लोकां विचों अपनी मलकियत दे लोक होण दे लई चुनिया है। प्रभु दे तुहाडे नाल इस प्रेम बंधन अते इस चोण दा कारण तुहाडी होरना कौमां दे टाकरे विच अधि गिनती नहीं सी, क्योंकि तुसी तां इस पक्खों सब तो घट हो। सगों ये प्रभु ने केवल इसलिए कीता है क्योंकि वो तुहानू प्यार करता है अते वो अपनी तुहाडे पुरखियां नाल चुकी सौनू पूरा कर रहा है। इसलिए ही उसने तुहानू अपने शक्तिशाली हाथ नाल गुलामी दे घर विचों बाहर कढ लियाया, अर्थात तुहानू मिस्र दे राजा फिराउन दे हथों छुटकारा दिता। इसलिए तुसी ये याद रखो कि प्रभु तुहाडा परमेश्वर ही केवल परमेश्वर है, यो विश्वास करन दे योग परमेश्वर है। ओही परमेश्वर है जो अपने कीते नेम दी पालना करदा है अते ओ सब ते दया हजारां पीढ़ियां तक करदा है। जो उसनों प्यार करदे हन ते उस दे हुक्मां दी पालना करदे हन, पर उना सबना नू जो उसनों किरना करदे हन नाश करके उना नू बदला दिंदा है। जो उस नाल किरना करदे हन उस तो बदला लैण विच ओ किसी तरह की ढिल नहीं करता। इसलिए तुसी सचेत रह के उन्हां सब हुक्मां विधियां अते विधान दियां पालना करो जिन्हां बारे अज मैं तुहानू आग्ञा दित्ती है। प्रभु दी बाणी। खुदा दा शुक्र होवे। Thank you.
दूजा पाठ यूहन्ना दा पहला पत्र उसका 4:7-16 ए तक। हे प्यारियो, आओ असी एक दूजे नू प्यार करिए, क्योंकि प्यार परमेश्वर तो है, अते जो कोई प्यार करता है वो परमेश्वर की संतान है, अते वो परमेश्वर नू भी जानता है। पर वो जो प्यार नहीं करता है वो परमेश्वर नू भी नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। परमेश्वर ने अपना प्यार साढ़े ते इस तरह प्रगट किया कि उसने अपने एकमात्र पुत्र नू संसार विच कर लिया कि असी उसके द्वारा जीवन प्राप्त करिए। प्यार ये है ना कि असी परमेश्वर नाल प्यार किया, सगो उसने साढ़े नाल प्यार किया अते अपने पुत्र नू कर लिया कि उसके द्वारा असी अपने पापा तो माफ़ी प्राप्त करिए। प्यारे मित्रों, जेकर परमेश्वर ने सानू इस तरह प्यार किया तो फिर सानू भी एक दूजे नू इसे तरह प्यार करना चाहिदा है। किसे ने परमेश्वर नू कदी भी नहीं देखिया है, पर जेकर असी एक दूजे नू प्यार करदे हाँ तो परमेश्वर साढ़े विच है अते उसका प्यार साढ़े विच पूर्णता प्राप्त करता है। असी जानते हाँ कि वह साढ़े विच वास करता है अते असी उस विच, क्योंकि उसने सानू अपना आत्मा दिता है। असी आप देखिया है अते उसे दी गवाही ही पिता ने पुत्र नू संसार विच मुक्तिदाता करके कर लिया है। इसलिए जो मनुख ये स्वीकार करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उस विच वास करता है अते वो परमेश्वर विच। असी आप ही परमेश्वर दे उस प्यार नू जो वो सानू करता है जानते हाँ अते उसते विश्वास करते हाँ। परमेश्वर प्यार है, इसलिए जो कोई प्यार विच रहिंदा है वो परमेश्वर दी संगत विच रहिंदा है अते परमेश्वर उस विच वास करता है। ये प्रभु दी बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। Alleluia, 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 Sansarile tusidunho, Sansarile tusichanho, Lundi tara nikam karo chanin सुनो पीड़ो प्रभु सब वीर गावो। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील संमति दे अनुसार। तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु। उस समय यीशु ने ऐलान कीता, ऐ बाप स्वर्ग ते धरती दे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करदा हाँ कि तू इन्हां गल्लां नूं बुद्धिमाना ते समझदारां तों लुका के रखिया अते उन्हां नूं निमाणिया अते प्रगट कीता है। हाँ बाप, यही तेरी पवित्र मर्जी सी। सब कुछ मेरे बाप वल्लों मैनूं सौंपिया गया है। बाप दे सिवाए कोई भी पुत्र नूं नहीं जानदा अते ना ही कोई बाप नू जानदा है सिवाए पुत्र दे, अते ओ जिस उत्ते पुत्र नू उस प्रगट करन दी मेर करदा है। ऐ थके मन दे अते भार दे बोझ हेठ तब्बे होयो, मेरे कोल आओ अते मैं तुहानू आराम देवांगा। मेरा जुल्ला अपने मोढे चुक लवो अते मेथों सिखो,
क्यों जो मैं हलीम अते दिल दा दीन हाँ अते तुसी अपनियां रूहां लई आराम पाओगे क्योंकि मेरा जुल्ला सुखला अते मेरा बोझ हौला है। प्रभु दी अंजील। तेरी महिमा होवे ए मसीहा। मसीह विच प्यारे भराओ ते बहनो, दिल साडे शरीर दा अहम अंग है। साडे शरीर दे सारे अंग ही जरूरी हन, लेकिन खुदा ने साडा दिल इक्को ही बनाया है। साडियां दो अखां ने, दो कान ने, दो हाथ ने, दो पैर ने। जे एक अख खराब होई दूजी नाल असीं देख सकते हाँ, जे एक हाथ टुट जाता है तो दूजा काम करता है, इस तरह पैर भी। लेकिन खुदा ने सानू इक्को ही दिल दिता है। ये असी सारे जानते हाँ कि जो दिल है वह प्यार का प्रतीक है। तो अज पाक मां कलीसिया प्रभु यीशु मसीह दे पाक दिल की ईद मना रही है। क्यों असी प्रभु यीशु मसीह दे दिल नू पाक दिल कहिंदे हाँ? क्यों असी अपने दिलों नू पाक दिल नहीं कहिंदे हाँ? उसका पहला कारण यह है कि खुदा खुद प्यार है। अते प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है, अते उसने सानू पहला प्यार किया है। अज के दूजे पाठ दे विच संत यूहन्ना अपने पहले खत दे विच उसका चौथा अध्याय उसकी नौवीं आयत दे विच लिखता होया कहिंदा है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा साडे लई दे दिता ताकि असी सारे उस उत्ते ईमान ले आईए अते असी सारे बचाए जाइए। हाँ प्यारियो, प्रभु यीशु मसीह का प्यार स्वार्थी नहीं सी, ते ना ही प्रभु यीशु मसीह का प्यार सीमित सी। कहने तो मतलब यह है कि साडा सारियां दा प्यार सीमित है। असी किसनों प्यार करते हाँ? जो सानू प्यार करते हैं। असी किसनों प्यार करते हाँ? अपने माँ बाप नू, अपने भैन भरावां नू, अपने मित्रां नू। किन्ने जने साडे विच हन जो अपने वैरियां नू प्यार करते हैं? कोई नहीं होवेगा। इसे करके मैं तुहानू कहा कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार सीमित नहीं सी, साडा प्यार सीमित है, लिमिटेड है। जदों असी पवित्र अंजील नू पढ़िए तो सानू पता लगता है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह पापियां नू प्यार करता है, पापियां नू लभण दे लई जांदा है। असी जानते हाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती नू प्यार किया। प्रभु जानता सी कि यहूदा इस्करियोती उस नू फड़ावेगा, उसका विश्वासघात करेगा, लेकिन प्रभु ने उसनू प्यार किया। संत पतरस नू प्यार किया। संत पतरस ने तीन बार प्रभु का इनकार किया, लेकिन फिर भी उसने उसनू प्यार किया। उसनू कलीसिया का कार मुख्तार बनाया। प्रभु येसु ने पौलुस नू प्यार किया जो कलीसिया नू सताउंदा सी, प्रभु येसु नू तंग करदा सी, उसनू भी प्यार किया। फिर असी देखते हाँ जक्की नू प्यार किया, टैक्स लैन वाले आदमी नू प्यार किया, विचार करन वाली औरत नू प्यार किया। प्रभु दा प्यार असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसे करके ही पाकमा कलीसिया अज प्रभु येसु मसीह दे उस प्यार नू मनाउंदी है, उस दे दिल नू, उस दे प्यार नू सारी विश्वव्यापी कलीसिया अज मना रही है। हाँ प्यारे भराओ ते भैणों, ओह प्रभु येसु मसीह अज पवित्र अंजील दे विच सानू सारियां नू इहो ही सद्दा दे रहा है कि मेरे तो सीखो, मेरे तो सीखो, क्योंकि मैं दिल दा हलीम हाँ अते मेरा जुल्ला अपने उत्ते लै लवो क्योंकि यह सुखला है। हुण अज जद असी यह ईद मना रहे हाँ, असी प्रभु यीशु मसीह दे कोलों सीखना है किस तरह प्यार करना है। जिस तरह उसने सानू प्यार किया है, असी भी एक दूजे नू प्यार करना है। असी भी जड़ी साड़ी सीमा है उस तो बाहर जाना है। तो प्यारियो, अज दे पहले पार दे विच असी सुनिया है मूसा चुनी हुई कौम नू
नसीहत दिंदा होया कहिंदा है कि देखो खुदा ने तुहानू किन्ना प्यार किया। ये नहीं है कि तुसी तुहाडी गिनती ज्यादा है, तुसी चुनी हुई कौम हो। तुहानू इसलिए प्यार किया क्योंकि खुदा प्यार है, वो तुहानू प्यार करता है, तुहाडी गिनती या तुहाडे सोहणे चेहरे दे करके नहीं। खुदा दा प्यार असीमित है ते इस करके मूसा कहिंदा है कि देखो खुदा ने तुहानू फैरो दी गुलामी तो आजाद किया है, तुहानू उत्थों कढ के लियांदा है, तुहानू प्यार विखाया है। हुण करना की है? जिस तरह मूसा ने आख्या उस तरह अज सानू भी वचन इहो ही सिख्या दे रहा है कि खुदा दे हुक्मां दी पालना करो। हुण खुदा दे हुक्म किहड़े हन तुहानू सारिआं नूं दसो कमाउंदे ना चंगी तरह, सारिआं नूं दसो कमाउंदे ने। जदों असी लेवियां दी पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 18 ऐद उहदे विच लिखिआ है कि तुसी अपने गुआंढी नूं अपने वांग प्यार करना, ये प्रभु ने कहा है। तो जदों असी अज दे पहले पाठ नूं पढ़ीए तो उहदे विच लिखिआ है, प्रभु कहिंदा है मूसा दे राही कि हे इसराइल तू अपने प्रभु परमेश्वर नूं अपने सारे दिल नाल, अपने सारे प्राण दे नाल, अपनी जिंद जान दे नाल प्यार करना। तो प्यारे मत्ती दी अंजील उसका 22 अध्याय उहदे विच असी पढ़ते हाँ उसकी 34 ऐत तो लैके उसकी 40 ऐत तक, जिथे प्रभु येसु मसीह सारिआं नूं यह सिक्ख्या दिंदे हन। उही सिक्ख्या जिहड़ी मूसा ने इसराइली कौम नूं दित्ती सी, उह की सी? तुसी अपने खुदा नूं अपने सारे दिल नाल अते अपनी सारी जान नाल अते अपने सारे मन नाल प्यार करना, यह सब तो महान अते पहली आग्या है। अते दूजी इस दे वांग है, तुसी अपने गुआंढी नूं अपने वांगू प्यार करना। इन्हां दोहां आग्यावां ते विधान अते नबियां दीआं सारीआं सिक्ख्यावां टिकियां होईआं ने। हाँ प्यारिओ, अज जद असी प्रभु येसु मसीह दे पाक दिल की ईद मना रहे हाँ, असी इन्हां वचनां दे उत्ते ध्यान देईए कि असी भी प्रभु येसु मसीह दे वर्गे बन जाइए। प्रभु येसु मसीह ने जिस तरह सानू असीमित प्यार किया है, उस तरह असी भी अपने भैन भरावां दे नाल प्यार करिए। सिर्फ अपने भैन भरावां तक ही ना सीमित रहिए, सगों अपने वैरियां नूं भी प्यार करिए, अपने सताउण वालिआं दे लई दुआ करिए। ते नाल ही नाल जिस तरह प्रभु येसु मसीह ने अज दे वचन विच आख्या है मेरे तो सिखो, असी सिखीए जिस तरह प्रभु येसु मसीह ने अपने वैरियां नूं माफ कर दिता, सताउण वालिआं दे लई प्रार्थना की, असी अज वह गल्लां सीख लईए, प्यार विच अगे वधीए, ते फिर ही साडा फायदा है ये ईद नूं मनाउण दा। इस करके आओ प्यारे भराओ ते भैणो, अज प्रभु येसु मसीह दे नाल वादा करिए कि असी उस दीआं आग्याआं दी पालना करांगे अते प्रभु येसु मसीह दे प्यार नूं सारिआं नाल वंडांगे जिस तरह उसने अपने प्यार नूं साडे नाल वंडिया है, जिस तरह वह खुद इंसान बन के इस दुनिया दे विच आया, साडे नाल रहा, सानू प्यार कीता, साडे बोझ साडे पापां दे बोझ नूं चुकिया, असी भी दूजिआं दे सुखां दुखां दे विच भागीदार होईए। खड़े हो के असी सारे अपने ईमान दा इकरार करिए ते मिल के आखिए रसूलां दा कलमा, मैं एक खुदा उते ईमान रखदा हाँ जिहड़ा बाप पूरी कुदरत वाला आसमान अते जमीन दा पैदा करन वाला है, मैं यीशु मसीह उते ईमान रखदा हाँ जिहड़ा उसदा इकलौता बेटा अते साडा खुदावंद है, वो रूप पाकी कुदरत नाल कुआरी मरियम दे गर्भ विच पिया अते उस तो जन्म लिया, उसने पैंतीस दिनां तो उसदे ऐंत विच दुख उठाया, सलीब ते चढ़ाया गया, मर गया ते दफनाया गया, बरजक विच उतरिया अते तीजे दिहाड़े मुरदिया विचो जी उठिया, आसमान ते चढ़ गया अते खुदा बाप पूरी कुदरत वाले दे सज्जे हज्जा बेटा जितो जीवंदा अते ते मुरदिया दा इंसाफ करन लई सिर आवेगा, मैं मारक दिया
रूपाकृति पाक कैथोलिक कलीसिया पाक लोकानी शराकत गुणाहानी माफी जिसदा जीवना अते हमेशा दी जिंदगी उते आमीन। प्यारे भाव ते पैनू अज जद असी प्रभु येसु मसीह दे पाक दिल दी ईद मना रहे हाँ, आओ असी अपनियां सारियां लोड़ां नूं जरूरतां नूं उस प्रभु दे अगे पेश करिए अते सारे मिलके असी आखिए ऐ प्रभु साड़ी प्रार्थना सुन। ऐ प्रभु साड़ी प्रार्थना सुन। ऐ प्रभु येसु दे पाक दिल असी अपने रूहानी बाप संत पापा फ्रांसिस नूं तुहाडे पाक दिल विच समर्पित करदे हां। उन्हां नूं तंदुरुस्ती दा वरदान बख्शो अते हर खतरे तों बचा के रखो तां कि उह पवित्र आत्मा दी मदद नाल कलीसिया दी अगवाई कर सकन। अनुवचन। ए प्रभु साडी प्रार्थना सुन। असीं अपने डायसिस दे चरवाहे बिशप्स फ्रेंको अते एग्नेलो सारे पुरोहितां धर्म पैणा मुनाद भरावां अते सारे प्रचारकां नूं तुहाडे पाक दिल विच समर्पित करदी हां। सानूं सारियां नूं अपने पाक दिल विचों निकलन वाले प्यार दे नाल भर देवो तां कि असीं एक दूसरे दे सहयोग नाल कलीसिया दे कम्मां नूं चला सकीए। अनुवचन। ए प्रभु साडी प्रार्थना सुन। ऐ दिल दे हलीम प्रभु येसु जी सारे परिवारां नूं तुहाडे पाक दिल विच सौंप दिंदे हां। उन्हां नूं हलीमी दा वरदान दिओ तां कि उह हलीमी दे नाल एक दूसरे नूं समझदे हुए अपना परिवारिक जीवन गुजार सकन। अनुवचन। ए प्रभु साड़ी प्रार्थना सुन। ऐ प्रभु येसु जी दुनिया भर दे सारे बीमार भैन भरावां दे लई प्रार्थना करदे हां, खास करके जिन्हें भी कोरोना वायरस की बीमारी दे नाल दुखी हैं, तुसी अपने शिफा वाले हत्थां दे नाल उन्हां नूं छू के चंगियाई का वरदान देवो। अनुवचन। ए प्रभु साड़ी प्रार्थना सुन। सारे डॉक्टरां नर्सां अते जिन्हें भी इस कोरोना वायरस नाल नजिठन करन दे लई वक् वक् तरीकियां दे नाल अपना सहयोग दे रहे हैं, प्रभु जी तुसी उन्हां सारियां नूं चंगी सेहत दा वरदान बख्शो अते अपनी आत्मा दे नाल भरपूर करो। अनुवचन। ए प्रभु साड़ी प्रार्थना सुन। ऐ प्यारे खुदावन असी अपनियां सारियां लोड़ां नूं तेरे पाक दिल नूं समर्पित कीता है। हे प्रभु तू सानू अते साड़ियां सारियां लोड़ां नूं जानदा है, हरेक व्यक्ति दियां दुआवां नूं सुनो, हरेक परिवार नूं बरकत दिओ। असी ये मंगदे हाँ साडे प्रभु येसु मसीह दे राही। आमीन।
कृपन करावे रुचि संचार। प्यारे एनो अत प्राहो प्रार्थना करो कि मेरी अते तुआदी यह कुर्बानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप तू कबूल होवे। प्रभु इस कुर्बानी नो तुहाड़े हाथां विचो अपने नाम दी उस्तत अति वडियाई लई साडे अति सारी पाक कलीसिया दी पनली लई कबूल करे। हे प्रभु अपने अति प्यारे बैठे दे दिल विच साडे लई तेरे भरे उत्तम प्यार बोल वेक उस दे प्यार दे कारण बख्श देखी सारा यह चढ़ावा तेरे लई प्रवान योग्य नसराना अथे साढ़े गुणाह दा कुफारा वच होए साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राही आमें। आमीन। प्रभु तुआदे नाल होवे अति तुआड़ी रूनाल भी होवे असी अपने दिल प्रभु वल लगाओ असी अपने दिल प्रभु वल लगाओ दी हां असी अपने प्रभु खुदा दा धन्यवाद करिए ये सही अति योग है। हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले अते अकाल खुदा यह सचमुच अते सही है मुक्ति पाउंदारा है कि असी हर वेले अते हर था यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्यवाद करिए। सलीब उते चढ़े जान थे उसने अपने बेअंत प्यार दे सदके सानू जीवन दा तोहफा दिता अते अपनी हकी दे जखम विचो पानी अते लहू वहाया यह कलिसिया लई साक्रमेंता दा निशान बन किया तांजो मुक्ति दाते दे दिल विचो जो सदिवी जहाज दा सोमा है सारे लोक खुशी नाल प्रकटा पहुन दे रखिए इस लई फरिश्तिया अते मां फरिश्तिया अते सारे स्वर्ग की लश्करा नाल मिलके असी तेरी महिमा दे गीत गाउंदे होए एक ऐलान करदे हां। हे प्रभु तू सचमुच पाक है अते सब पवित्र था दासो मा है
इस लई असी बेनती करते हाँ कि जिस तरह थरेल पाइंदी हाय उसे तरह तू अपने रूह पाक नो बेच के इना नसरानिया नु पवित्र कर तां जो ये साडे लई साडे प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आपनो दुख तस्या लई सांपड़े होए रोटी लई धनवाद कर दिया रोटी थोड़ी अते अपने चेलिया नु दी थी ये खाइंदे होए। तुसी सारे ये लओ अते इस विचो खाओ क्यों जो ये मेरा बदन है जेदा तुहाडे लई कुर्बान किता जावेगा। इसे तरह भोजन करन तो बाद उसने प्याला लिया एक बार फिर धन्यवाद कर दिया प्याला अपने चेलिया नु दिता यह खाइंदे होए तुसी सारे यह लओ अति इस पिचो पियो क्यों जो यह मेरे लहू दा प्याला है नवे अते सदवी नेम दा लहू जो थवादे अते बोतिया वास्ते गुनाह दी माफी लई बहाया जावेगा। मेरी याद विच यह करिया करो। ईमानदार फेड ए प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरी जी उठन दी मुनादी करदे हां जब तक तू फिर आवेगा। ए प्रभु असी यीशु मसीह दी मौत अते उस ते जी उठन दी यादगारी न मनाउंदे होए ताईनू जीवन दी रोटी अते मुक्ति दा प्याला चढ़ाउंदे हां असी तेरा धन्यवाद करदे हां क्यों जो तू सानू इस योग्य तराया कि असी तेरे हजूरी विच दाखल होके तेरी सेवा करिए। असी हली भी नाल दुआ करते हाँ कि मसीह दे बदन अते लहू विच ईसा लाइन द्वारा असी रूप का दे राही एकता विच बंदे रहिए। हे प्रभु सारी धरती ते फैली अपनी कलीसिया नु याद कर अते इसनू साडे संत पापा फ्रांसिस साडे बिशप फ्रैंको अते अग्नेलो अते सारे प्रोहतां नाल प्यार दी संपूर्णता विच कायम रख। साडे भैण भरावां नू वी याद कर जिहड़े जी उठण दी उम्मीद नाल सौं गए हन अते उहनां सारिआं नू जो तेरे रहम विच मर गए हन अपनी हजूरी दे चानण विच स्वागत कर। ऐ प्रभु असीं बेनती करदे हाँ कि साडे सारिआं उत्ते वी दया कर तां जो धन कुआरी मरियम खुदा दी माँ दे नाल उस कुआरी दे मुबारक वर संत यूसफ नाल तन रसूलों नाल सारे संतों नाल जिन्ह ने सारे युगों में तेनों खुश किया है सदीवी जीवन के वारस होने के हकदार बन जावांगे अते तेरे बेटे यीशु मसीह दे राही तेरी वडियाई अते उस्तत करांगे। उसदे राही अते उसदे नाल अते उसदे विच हे खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रूह पाक दे एकता विच सब जलाल अते वडियाई तेरी ही हाय सदा थो सदा तिकर। आमीन। साडे मुक्तिदाते दे हुकम दे मुताबिक अते उसदी खुदाई सिक्किया दे अनुसार असी अखांडी दलेरी कर दे हां। हे सारे बाप जिरा तू समान ते है तेरा नाम पाक मनिया जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी होती है जमीन उते भी होवे सारे रोज दी रोटी आज सानू दे सारे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असी अपने कसूरवारा नु माफ कर दे हां सानू अजमाइश विच ना पा सगो बुराई तो बचा। हे प्रभु असी प्रार्थना करते हाँ सब बुराइया तो सानू बचा अपने रहम नाल साड़ी दिना विच शांति अते एकता चांदे
ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੀਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤਰ ਲੈ ਆਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਤੂੰ, ਯਿਸੂ ਤੂੰ
विश्वास मेरा केवल है प्रभु तुम हो ना मेरा दर्पण तुझो मेरा दे दे शक्ति विश्वास गहरा दे दे शक्ति विश्वास गहरा आशीष लेने सितारे तुझको आराधे तुझको पुकारे तू ही है प्रभु प्यार का सागर तू ही सबका आदि आनंद है आशीष लेने आई हूँ आशीष लेने आई हूँ असी प्रार्थना करिए हे प्रभु बख्श देखी प्यार दा यह सक्रमेंट सानू तेरे बेटे दे दिलाई प्यार दी अगनाल होर जोशीला बना देवे सानू अपने बेटे दे होर नजदीक लाई थांजो असी अपने गुआंधी विच उस तू वेक सकिए यह उही प्रभु यीशु मसीह दे राही आमेन प्रभु तुआ दे नाल होवे अति तुहाडे रुहान भी होवे कुदा दी खास प्रकट लई सिस निवाओ पूरी कुदत वाले कुदा बाप अठे बैठे अते रूह पाक दी बरकत तुआदे सारिया उते उतरते अते सदा तुआने नाल होवे आमेन आमेन अपने जीवन राही प्रभु दी वड्याई करो शांति नाल जाओ खुदा दा शुक्र होवे दुआ याद कर याद कर ए निहायत मेहरबान कुंवारी मरियम पई कदी नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभ लिया तेरी मदद चाहुंदिया तेरी सिफारिश मंगदिया ते तो काली हथ मुड़िया होवे ए कुवारी कुवारियां दी अति मेरी माँ मैं तसली नाल तेरे कोल नसी आउंदी हाँ अति तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदी हाँ ए दे तारी होए कलाम दी माँ मेरी अर्जा नू हकीर ना जान सगो मेहरबानी नाल सुन ते कबूल कर आमीन शांति दी रानी कुआरी मां मरियम साडे लई दुआ कर आद दी भेंट चढ़ाई सच्चे रब दा शुक्र मनाई धन्यवाद दी भेंट चढ़ाई सच्चे रब दा शुक्र खुशी नाल ओ दा धन्यवाद कर कर के तेरी बरकत छोली पर के खुशी नाल ओ दा तने
ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਉਸਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਚ ਛਾਵਾ ਨਾਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਛਾਵਾ ਨਾਲ ਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਧੰਨਵਾਦ।